एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी एक बार फिर से मिलने लग गई है, लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को एक कड़ी जोड़ती है और वो कड़ी है काले हिरण की। क्या होता है ये काला हिरण और क्यों आखिर लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि काला हिरण होता क्या है, क्योंकि यही एक वो वजह है जिसकी वजह से सलमान खान की जान पर खतरा बना हुआ है। तो साल 1998 से ये केस चल रहा है। इस मामले में सलमान खान और काले हिरण का नाम एक साथ आता है, बॉलीवुड के भाईजान को जो हमेशा से ही खतरे में और डर में डाल देता है। काले हिरण को ब्लैक बक या फिर इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। ये वैसे तो आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल यानी कि दक्षिण एशिया में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। रंग बदलने में ये माहिर होता है और घनी आबादी वाले इलाके में रहने वाले काले हिरण बिश्नोई समाज इसकी पूजा भी करता है। राजस्थान के अलावा ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी बिश्नोई समाज जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ये काले हिरणों की पूजा करते हैं, साथ ही जीव जंतुओं की भी रक्षा और उनको पूजते हैं। बिश्नोई समाज ऐसा मानता है कि अगर वो काले हिरण की रक्षा करता है और पेड़ों की भी रक्षा करता है तो फिर इंसान को बैकुंठ प्राप्त होता है। ये समाज काले हिरण को भगवान कृष्ण का अवतार भी मानता है और उनकी रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगाने से पीछे नहीं हटता है। काले हिरण की कम होती हुई संख्या इसे शेड्यूल एक में रखा गया है और इसके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इस हिरण का शिकार गैर कानूनी है। तो आखिर 1998 में हुआ क्या था? अक्टूबर का ये महीना था और सलमान खान और काले हिरण का नाम तब से एक साथ आता है। दरअसल हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम जुड़ गया। बिश्नोई समाज ने सलमान खान पर पहली FIR दर्ज कराई और इसके बाद 4 और मामले भी दर्ज हुए। इस मामले में सलमान खान की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें जेल में रहना भी पड़ा। हालांकि बिश्नोई समाज ने सलमान को माफ नहीं किया, उन्होंने सलमान के सामने शर्त रख दी कि वो इस मामले में माफी मांगे और बीकानेर आकर मुक्तिधाम मुकाम में आकर बिश्नोई समाज के सामने अपनी गलती की माफी मांगे। लेकिन उसके बाद से ना तो सलमान खान ने माफी मांगी और ना ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। इसके बाद साल 2018 में यानी कि 1998 की घटना के ठीक 20 वर्षों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम जुड़ गया और लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ये कसम खाई कि वो सलमान से काले हिरण के शिकार का बदला लेकर रहेगा। उसके बाद से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें, काला हिरण का शिकार वैसे तो भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन अवैध तौर पर जरूर होता है और इसे ब्लैक मार्केट में बेचा भी जाता है। काले हिरण के अंग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी डिमांड के सबब बनते हैं। इस हिरण के शरीर के अंगों को दवाओं सहित अन्य चीजों में इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा डिमांड इस हिरण के खूबसूरत सर और सींग की होती है। सींग लगे सिर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हिरण के सींग, नाखून और दांत का इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। कीमत की बात करें तो आधिकारिक तौर पर इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस हिरण के शरीर के अंगों की कीमत लाखों में होती है और इसके सींगों और नाखून की कीमत भी 12 से 15 लाख के बीच हो सकती है।